الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزما لے کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون اچھا عمل کرتا ہے یہ دنیا آزمائش گاہ ہے اور ہر آدمی گویا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور امتحان دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے سلسلے میں وہ کیا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کیا وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے قوت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے یہ ایک آزمائش ہے اور آزمائش کا یہ سلسلہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کے متعلق کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ زندگی کی نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے قابو میں رکھے اس کی خواہشات پر عمل نہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے
और बेवकूफ वो है जो अल्लाह ताला से उम्मीदें बांधे और यूं सोचता हो कि अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, गफूर रहीम हैं। हमारा हाल तो यह है कि गुनाह करते जाते हैं और कोई तंबीह करे तो कहते हैं अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, गफूर रहीम हैं। अगर यही उसूल है तो कोई काफिर है, आप उससे कहें भाई इस्लाम ले आओ, मुसलमान हो जाओ, वो तुमसे यूं कहे अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि अल्लाह ताला ने मगफिरत के लिए कुछ उसूल मुकर्रर फरमाए हैं और उसके यहाँ ये उसूल है कि काफिर की मगफिरत नहीं होती। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। तो जैसे आप उसको ये जवाब देंगे तो आपसे भी तो यूं कहा जाएगा कि अल्लाह ताला के यहाँ मीज़ान अमल कायम होने वाला है, नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे, जिसकी नेकियां गालिब होंगी उसके लिए जन्नत का फैसला होगा। आपने गुनाह करते करते कैसे ये तय कर लिया कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है? कहने का हासिल ये है कि ये जो हमने अपनी ज़िंदगी के लिए तरीक़ा इख्तियार कर रखा है, हम जिस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये वो तरीक़ा नहीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। हमारी ज़िंदगी गुजारने के बाद अल्लाह ताला के सामने पेशी होगी, उस पेशी के बाद वहाँ जो हिसाब किताब होगा, आदमी तमन्ना करेगा रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नामलो, या अल्लाह हमें दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि हम वहाँ जाकर नेक आमाल करें, दुनिया में जैसे अमल किए थे अब दूसरी मरतबा ऐसे अमल नहीं करेंगे, हम नेक आमाल करेंगे। बारी ताला की तरफ से कहा जाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाकुमुन नज़ीर। हमने तुमको इतनी ज़िंदगी नहीं दी थी कि अगर उसमें कोई आदमी सुधरना चाहता, नेक बनना चाहता, अपनी इस्लाह करना चाहता, नसीहत हासिल करना चाहता तो वो सुधर सकता था, नेक बन सकता था, नसीहत हासिल कर सकता था, और हमारी तरफ से डराने वाले भी आए, नबी करीम यानि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह तआला दुनिया वालों को अपने अजाब से डराने के लिए भेजते हैं, वो भी तशरीफ़ लाए। किताब तज़किरा में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मलकुल मौत के साथ किसी की मुलाकात हो गई, उसने कहा हजरत आपका मामला भी अजीब है, दुनिया में कोई हुकूमत किसी के खिलाफ जब कोई वारंट जारी करती है तो पहले उसको नोटिस भेजती है और आप तो अचानक धमक कर जान लेकर चले जाते हैं। तो मलकुल मौत ने कहा नहीं भाई, मैं भी तो नोटिस भेजता हूँ और इतने नोटिस भेजता हूँ कि दुनिया की कोई हुकूमत इतने नोटिस नहीं भेजती, लेकिन क्या करूँ, मेरी नोटिसों का कोई नोटिस नहीं लेता। या यूं बालों की ये सफ़ेदी एक नोटिस है कि अब बाल सफ़ेद हो गए, अब जाने का वक्त आ गया, कहाँ आप दुनिया के अंदर गफलत में पड़े हैं, अब आखिरत की तैयारी कीजिए, आँखों की रोशनी कम होती जा रही है, यह अल्लाह का नोटिस है। घुटनों में दर्द चालू हो गया, ये नोटिस है। नवासे आ गए, पोते पोतियाँ आ गए, अब दूसरी नस्ल तो आ गई, आप कब तक यहाँ डेरा डाले पड़े रहेंगे, आप कब तक वीज़ा बढ़वाते रहेंगे, ये सब नोटिसें हैं। उसके बाद भी आप अपना हाथ दुरुस्त न करें तो उसका क्या इलाज हो सकता है। हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने 60 साल की उम्र दी, फ़कद आज़रा, अल्लाह ताला ने उसका उज़रा ख़त्म कर दिया, यानि कल को क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने उसको ये कहने का मौका नहीं रहेगा
कि मुझे कुछ मौका दिया जाता तो मैं कुछ करता। भाई तारा कहेंगे, अरे मेरे बंदे, दुनिया में रहने के लिए तुझको 60 साल तो दिए थे, तूने उसमें कुछ नहीं किया, तो अब उसमें किसी का क्या कसूर है। हकीकत तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जिंदगी अता फरमाई। इस जिंदगी का एक एक दिन बहुत कीमती है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हजरत उबैद इब्न खालिद रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दो सहाबियों के दरमियान अक़्दे मुआखात कराया, भाईचारगी का रिश्ता कायम किया। अब जिन दो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता कायम किया था, उनमें से एक का इंतकाल हो गया, वो जिहाद के अंदर शरीक हुआ और शहीद हो गया। उसके 8 दिन के बाद दूसरा जो था उसका भी इंतकाल हो गया, घर के अंदर बिस्तर पर वफात हुई। हजरत साहबा उसकी नमाज जनाजा के बाद अंदर शरीक थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने अपने भाई के लिए क्या दुआ की? साहबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हमने ये दुआ की कि अल्लाह अपने इस बंदे को अपने उस भाई के साथ मिला दे, क्योंकि वो शहीद हुआ है और ये शहीद नहीं हुआ है। ये हजरात गोया ये कहना चाहते थे कि इसको भी शहीद वाला मर्तबा हासिल हो जाए। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो नोट करने के काबिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे भाई, उसकी शहादत के बाद यह आदमी 8 दिन तक जिंदा रहा। फाइन सलातुहु बाद सलातिही व सौमुहु बाद सौमिही व अमलुहु बाद अमलिही इन बैनहुमा कमा बैन समाए वल अर्द। उसके मरने के बाद यह 8 दिन नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, नेक आमाल करता रहा, वो कहाँ गए? फिर हुजूर साहब ने फरमाया, इसके और उसके, यानी उस शहीद के दरमियान दर्जे और मकाम के एतबार से इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान है। वो तो शहीद था, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं। बहरहाल दुनिया की एक एक घड़ी कीमती है। हमें जो वक्त अल्लाह ताला ने अता फरमाया है उसकी कदर करने की ज़रूरत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे थे, एक कब्र पर से गुजरे, सवारी पर से उतर गए, दो रकात की नीयत बांध ली, नमाज से फारिग हुए। आपके साथ जो साहिब थे उन्होंने समझा शायद कब्र वाले के साथ आपका कोई ताल्लुक होगा, आपका कोई अजीज होगा। पूछा, हजरत आपने इस कब्र के पास उतर कर दो रकात नमाज पढ़ी तो क्या इस साहिब कब्र से आपका कोई ताल्लुक है या आपका कोई अजीज है? तो फरमाया कि नहीं, मुझे तो इस कब्र को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद याद आ गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदमी मर जाएगा और कब्र में होगा तो तमन्ना करेगा, काश मुझे दो रकात पढ़ने का वक्त मिल जाए। उस इस कब्र को देखकर मुझे हुजूर का ये इरशाद याद आया, तो मैंने सोचा कि मैं तो जिंदा हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठा लूँ। इसलिए मैंने उतर कर दो रकात नमाज पढ़ ली। यह हाल था उन हजरात का। देखिए, इस तरह की चीज़ें जब सुने तो फौरी तौर पर अमल कर लेना चाहिए, उसकी बरकत से अल्लाह ताला बहुत कुछ अता फरमाते हैं। हजरत मौलाना अब्दुर्रऊफ़ साहब सिक्करवी दामत बरकातहुम के खुतबात में एक किस्सा लिखा हुआ है। एक अल्लाह वाले थे, उनको कशफ़े कुबूर होता था। कशफ़े कुबूर यानी कब्र के अंदर जो हालात मुर्दे पर गुजरते हैं वो हालात उसके सामने खुल जाते हैं, वैसे आदमी को पता नहीं चलता। बरज़ख के हालात हर एक पर खुलते नहीं हैं। हदीस में भी आता है कि कब्र में मय्यित को जो अज़ाब होता है उसको इंसान के अलावा हर जानदार सुनता है, अगर इंसान सुन ले तो वो मुर्दों को दफन करना छोड़ दे। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ,
अल्लाह ताला ने अपने बाद बंदों को मुर्दों पर जो हालात गुजरते हैं उससे अल्लाह ताला वाकिफ कर देते हैं, उसको कश्फे कुबूर कहते हैं। तो एक अल्लाह वाले थे, उनको कश्फे कुबूर की ये करामत हासिल थी। वो एक कब्र के पास से गुजरे तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से कश्फे कुबूर के तौर पर बताया गया कि ये कब्र वाला अपनी कब्र के अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। उन्होंने इसी हालत मुकाशफा में कब्र वाले से बातचीत की कि मैंने तो सुना है कि आदमी जब मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इदा मात अल इंसान व इनकता अनहु अमलहू, आदमी का जब इंतकाल होता है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। तब आमाल का और सवाब कमाने का सिलसिला बंद हो गया। तो हमने तो ये सुना है कि मौत के बाद आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, और मैं तो तुमको देख रहा हूँ कि तुम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हो। मुर्दा जवाब में यूँ कहता है कि बात असल में ये है कि मेरा इंतकाल हुआ, मुझे कब्र में दफन किया गया, तो दो फरिश्ते मुनकर नकीर जिनका हदीस में तज़किरा आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तिर्मिज़ी की रिवायत है कि आदमी को उसकी मौत के बाद जब दफन किया जाता है और लोग जाने लगते हैं तो अभी तो वो मुर्दा उनके जाने के वक्त उनके जूतों के खड़कने की आवाज़ें सुनता है कि उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर है, दूसरे का नाम नकीर है, और वो उसको उठाते हैं और उससे सवाल करते हैं। और मोमिन के पास जो आते हैं उसको मुबशर बशीर के नाम से ताबीर किया गया है। मईस से पूछते हैं, मर रबों का, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन है। अगर वो मोमिन नेक है तो वो बराबर जवाब देता है, और उसके ठीक जवाब देने पर फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था कि तू इसी तरह सही जवाब देगा। और उसको कहते हैं, नम कनौमतिल अरूस अल्लज़ी ला यूक़िज़ुहु इल्ला हब्बु अहली इलै, इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सो जाती है कि उसके महबूब के अलावा उसको कोई उठाता नहीं। बहरहाल वो कहते हैं कि मेरे पास कब्र में फरिश्ते आए, उन्होंने सवालात किए और मैंने सही सही जवाब दिए। बारी ताला की तरफ से मुझसे कहा गया कि तुमने ठीक ठीक जवाब दिए हैं इसलिए तुम कामयाब हो, लेकिन चूंकि अभी तो क़यामत कायम होने में वक्त बाकी है, जब क़यामत कायम होगी तो हज़रत आदम अला नबीना वाली सलात वसलाम से लेकर क़यामत तक के सारे मुर्दों को ज़िंदा किया जाएगा, लेकिन क़यामत के कायम होने तक तो वहीं पर कब्र में हैं जिनको आलम बरज़ख़ कहते हैं। ये आलम दुनिया है हम जिसमें रहते हैं, और मौत के बाद आलम बरज़ख़ शुरू होता है और उसके बाद आलम आखिरत है। तो गोया ये आलम बरज़ख़ आलम दुनिया और आलम आखिरत के दरमियान वेटिंग रूम है। अब आपको क़यामत के कायम होने तक इसी वेटिंग रूम यानि इसी कब्र इसी आलम बरज़ख़ में रहना है। अलबत्ता तुमने चूंकि सही जवाब दिए हैं इसलिए तुमको यहाँ आराम से रखा जाएगा। चुनांचे हदीस में आता है कि जब मुर्दा सही जवाब दे देता है तो उसके लिए बाकायदा कब्र में जन्नत से एक खिड़की खोल दी जाती है, और जहाँ उसे जन्नत की राहतें महसूस होती हैं तो वो कहते हैं कि मैंने सही जवाब दिए इसलिए मुझे कहा गया कि अब तुम इसी कब्र में आराम से रहो, और अगर तुम क़यामत तक के लिए इस कब्र में कोई मशगला चाहो यानि अपना वक्त गुजारने के लिए कोई मशगला, तो हमारी तरफ से उसकी इजाज़त दी जाएगी, तुम क्या चाहते हो। कब्र वाला कहता है कि मैंने अर्ज़ किया कि ए बारी ताला, दुनिया में मुझे कुरान के साथ बहुत शगफ था, मुनासबत थी, मोहब्बत थी, इसलिए मुझे कुरान पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। चुनांचे मुझे उसकी इजाज़त दे दी गई। मैं जब से दफन हुआ हूँ तब से लेकर आज तक मैंने 70,000 कुरान ख़त्म किए हैं। उसके बाद वो कब्र वाला उन बुजुर्ग से कहता है कि अगर आप अपना एक सुभान अल्लाह मुझे दे दें
तो मैं आपको ये 70,000 कुरान देने के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग कहने लगे, क्या बात है, एक सुभान अल्लाह की आवाज तुम मुझे 70,000 कुरान दे दोगे? साहिब कब्र ने कहा कि हाँ, ये 70,000 कुरान मैंने मरने के बाद पढ़े हैं, जमीन के नीचे पड़े हैं। मेरे मरने के बाद मेरे सवाब और गुनाह का सिलसिला तो बंद हो गया, नामे आमाल बंद हो गया। इस 70,000 कुरान पर मुझे एक नेकी भी नहीं मिली। टाइम पास हुआ, वक्त गुजरा, नेकी नहीं मिली। तुम चूंकि अभी दुनिया में हो, जमीन के ऊपर हो, इसलिए तुम जो सुभान अल्लाह पढ़ रहे हो ये बड़ा कीमती है, उस पर बहुत बड़ा अजर व सवाब तुम्हें मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम एक सुभान अल्लाह दे दो, मैं 70,000 कुरान तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हमें जो जिंदगी और उसके अवकात मिले हुए हैं उसकी कदर कर लेने की ज़रूरत है। ये जिंदगी जैसी भी है, लूली लंगड़ी, बहरहाल इसमें आदमी का फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं। एक आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, जबान तो हरकत करती है, जबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो पढ़ सकता है। ये जिंदगी कितनी कीमती है कि इस सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बदले में उसको जो सवाब हासिल होगा सारी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हजरत सुलेमान अल्लाह नबीना वालसलाम को अल्लाह तबारक तआला ने एक मौजज़ा अता फरमाया था कि हवा को हुक्म देते थे तो पूरे दरबार के साथ हवा आपको जहां चाहते थे ले जाती थी। यूं समझिए गोया पूरा प्लेटफार्म फिजा में उड़ रहा है, जहां चाहते थे जाते थे। अल्लाह तबारक तआला ने आपको यह नेमत अता फरमाई थी। आपकी बादशाहत भी ऐसी थी कि सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन्नों पर, चरिन परिन, तमाम जानवरों के ऊपर आपकी बादशाहत थी। एक मरतबा आप इसी तरह अपने पूरे दरबार के साथ फिजा में जा रहे थे। इस मंजर को देखकर एक बंदे मोमिन की राल टपकी। ऐसा मंजर जब आदमी देखता है ना तो दिल में रश्क पैदा होता है कि उसको अल्लाह ने कैसा क्या दिया है, काश हमें भी ये चीज मिल जाती। तो उस बंदे मोमिन को उनका ये मंजर देखकर दिल में रश्क आया। अल्लाह तबरक तआला ने हजरत सुलेमान अला नबीना वालसलाम को उसके इस तसव्वुर और ख्याल से बाखबर और वाकिफ किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि नीचे उतारो। उतरने के बाद उस बंदे मोमिन को हजरत सुलेमान ने कहा कि किसी बंदे मोमिन का एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना आले दाऊद, और उससे खुद हजरत सुलेमान मुराद हैं, कि सल्तनत से बढ़ करके है। एक सुभान अल्लाह की कीमत इतनी ज्यादा है कि सारी दुनिया मिलकर भी अदा नहीं कर सकती। तो मैंने अर्ज किया कि कुछ नहीं तो पढ़े पढ़े सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो पढ़ सकता है। ये भी इतना कीमती सरमाया है कि सारी कायनात उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। हकीकत तो यह है कि अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी अता फरमाई है, उसके औकात और लम्हात बहुत ज्यादा कीमती हैं। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा कि वह एक एक लम्हा एक लम्हा भी जाय कवर करना गवारा नहीं करते थे। हजरत कारी सैयद मोहम्मद सिद्दीक साहब बानवी नवर अल्लाह उमर कदू को हमेशा देखा कि सफर में खाली बैठे हैं तो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। एक मौलवी साहब कहते हैं कि एक मरतबा में हजरत के साथ एक सफर में जा रहा था, ट्रेन में बैठे बैठे हजरत से अर्ज किया, देखिए वो मंजर कितना अच्छा है। ये सुनकर हजरत को इतनी ज्यादा नागवारी हुई, फरमाने लगे मौलवी साहब तुमको यही सूझती है, बैठे बैठे कुरान पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, ये मंजर कितना हसीन है, इससे तुमको क्या फायदा पहुंचेगा। ये हजरत थे जो अपनी जिंदगी के औकात की सही कीमत वसूल करते थे। इसलिए हम भी अपनी जिंदगी के औकात और लम्हात की कीमत को सही तौर पर वसूल करने का एहतमाम करें। हर दम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर नूर से अपना सीना भर,
जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर। हकीकत तो यह है कि हमारी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रहना चाहिए। सूफिया के यहाँ पास अनफास एक इस्तिलाह है, सांस जब अंदर जाती है तो अल्लाह और बाहर आती है तो हु, कहते हैं अल्लाह अल्लाह, गोया हर सांस को वसूल करने का एक तरीका तजवीज़ किया है। तो ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के लम्हात की कदर करें, और अगर हम अपनी ज़िंदगी के इन लम्हात में नेकी न करें बल्कि गुनाहों में सर्फ करें तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी। अगर ज़िंदगी के इन लम्हात की कोई नेकी में न इस्तेमाल किया, खाली जायज़ कामों में इस्तेमाल करें जिस पर न कोई गुनाह न सवाब, तो भी बहुत बड़ा घाटा है। एक आदमी के पास जवाहरात हैं, उससे ढेले और पत्थर खरीदता है तो कहा जा सकता है कि ये ढेले पत्थर नुकसान देने वाली चीज़ें नहीं, ये अलग बात है कि उसने घाटे का सौदा किया। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो इन मोती और जवाहरात से जहर खरीदता है तो उससे बड़ा नादान और कौन होगा। हम ज़िंदगी के इन अवकात को अल्लाह ताला की नाफरमानियों में इस्तेमाल करेंगे, गुनाहों में इस्तेमाल करेंगे तो इतना बड़ा घाटा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने उनका वाक़िया इहया उलूम में ज़िक्र किया है। नाम उनका तौबा इब्ने सिम्मा है। एक मरतबा वो अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने सोचा मेरी ज़िंदगी के 60 साल गुजर गए, इस्लामी और चांद के हिसाब से साल के 354 दिन होते हैं, अगर हर दिन में से मैंने एक गुनाह किया तो 60 साल में मैंने 21,500 गुने किए, ये गुनाह किए, चे जाए कि मैंने हर दिन 10,000 गुनाह किए हों, मैं इतने बड़े गुनाहों का बोझ लेकर अल्लाह के दरबार में कैसे हाजिर होऊंगा। बस ये सोचना था कि चीख मारी और उसी वक्त उनकी रूह परवाज कर गई। गैब से आवाज़ आई, लोगों ने सुना, या लक रगज़तन इलल फिरदौसिल आला, माशाअल्लाह जन्नत की तरफ कैसी छलांग लगाई। हमें अपनी ज़िंदगी का बार बार जायज़ा लेते रहना चाहिए। जिसको अल्लाह ताला ने जैसी सलाहियत दी है उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युश्शय खैरुन, के लोगों में अय्युन्नास खैरुन, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताला उम्रहु व हसन अमलहु, ये सबसे बेहतर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और आमाल अच्छे हों। पूछा गया, फय्युन्नास शर्रुन, के लोगों में सबसे बदतर आदमी कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मन ताला उम्रहु व सा अमलहु, कि जिसकी उम्र लंबी हो और उसके आमाल बुरे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खियारुकुम अतवलुकुम आमारा व अहसनुकुम अमला, कि तुम में सबसे बेहतर वो हैं जिनकी उम्र और ज़िंदगियाँ सबसे लंबी और तवील हों और जिनके आमाल सबसे अच्छे हों। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अवकात को सही तौर पर इस्तेमाल करने का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक व सआदत अता फरमाए। दुआ कर लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى علي سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى علي سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخفى الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتي. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثنا ولا توثر علينا، وأرضنا عنك وارضنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، لا إله إلا الله العليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة يا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة العدا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم لا تنز منا صالح ما آتيتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا. مولا ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما، ہمارے اے اللہ ہمارے جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، اور جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما. تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے، سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، گناہ والی زندگی سے نجات عطا فرما کر
अल्लाह नेकियों वाली जिंदगी अता फरमा, अल्लाह तेरी नाफरमानी वाली जिंदगी से सच्ची पक्की तौबा अता फरमा कर तेरी इताअत और फरमाबरदारी वाली जिंदगी अता फरमा। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरू और बुराइयों से पना चाही उससे हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस बीमारी को जो बला की तरह पूरी कायनात पर मुसल्लत है, ऐ अल्लाह उसको उठा ले। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिल्ला अता फरमा। जो ऐ अल्लाह इस बीमारी में दुनिया से जा चुके, ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, अपनी रहमतों मफ़रतों से ढांप ले, जन्नतुल फ़िरदौस में उनको ऊंचा मकाम अता फरमा, उनकी हसनात को कबूल फरमा, सयाद से दरगुजर फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। ऐ अल्लाह जो महफूज हैं ऐ अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में ले ले, अपने फजल का मामला फरमा दे। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, और जिन शुरू और बुराइयों से पना चाही उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक।